नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आप सभी लोगों का, जितने भी शिव भक्त हैं, उनको सभी को इंतजार था कि कुबेरेश्वर धाम से, यानी कुबेरेश्वर धाम सीहोर से रुद्राक्ष का वितरण कब शुरू होने वाला है। तो इसी बात की जानकारी लेकर मैं आया हूं कि रुद्राक्ष वितरण शुरू हो चुका है, उसका टाइमिंग क्या है, किस प्रकार से रुद्राक्ष मिलेंगे, कितने रुद्राक्ष एक व्यक्ति को मिलेंगे और क्या डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपको ये सारी चीज़ जानना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि रुद्राक्ष वितरण शुरू हो चुका है, और जो रुद्राक्ष का वितरण है वो 17 मई से स्टार्ट हो चुका है। 17 मई 2023 से रुद्राक्ष का वितरण स्टार्ट हो गया है। ये कब तक चलेगा? ये पूरे साल भर चलेगा, यानी 17 मई 2024 तक चलेगा। एक साल तक लगातार ये चलता ही रहेगा, कोई गैप इसमें नहीं होगा। सातों दिन ये रुद्राक्ष वितरण चलता रहेगा। अब मैं आपको टाइम बता देता हूँ, टाइम कब से कब तक है। तो टाइम सुबह 10 बजे से 5 बजे तक का टाइम रहेगा। सुबह 10 बजे से 5 बजे तक का टाइम, इस बीच में लगातार रुद्राक्ष का वितरण होता रहेगा। अगर आपको समय से जाते हैं, अगर आप समय से लाइन लगा लेते हैं, तो आपको जल्दी से रुद्राक्ष मिल जाएगा। वैसे मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस समय इतनी भीड़ नहीं है जितनी पहले भीड़ हुआ करती थी, क्योंकि ये टाइम बहुत लंबा टाइम है ना, एक वर्ष का टाइम पंडित जी ने दिया है, इस कारण से भीड़ थोड़ी कम है। तो आप आसानी से जाके अपना रुद्राक्ष ले सकते हो, ठीक है। अगली बात ये कि एक इंसान को कितने रुद्राक्ष मिल रहे हैं, तो एक इंसान को एक ही रुद्राक्ष मिल रहा है। ऐसा नहीं कि आप पूरे परिवार का जाके एक साथ ले आओगे, ऐसा नहीं है। पर व्यक्ति एक रुद्राक्ष मिलेगा, यानी आपके घर में अगर चार सदस्य है तो चारों को जाना पड़ेगा, तभी आपके पास चार रुद्राक्ष आएंगे। मतलब आप सबकी तरफ से अकेले रुद्राक्ष नहीं ला पाओगे, हर व्यक्ति को एक ही रुद्राक्ष मिलेगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। तो देखिए, डॉक्यूमेंट्स आपको कुछ नहीं लग रहे हैं इस बार। इस बार सिर्फ आपको अपने आप को ले जाना है और एक रुद्राक्ष लेकर आना है, यानी डॉक्यूमेंट्स नहीं बुलाए। फिर भी हो सकता है जब आप जाएं, जब तक कोई नियम परिवर्तित हो जाए, इसलिए आप अपने साथ अपना आधार कार्ड जरूर ले जाएं, या कोई अगर बीमार व्यक्ति है तो उसके बीमार का जो सर्टिफिकेट है या उसकी जो भी डॉक्टर द्वारा लिखी गई कोई चीज़ है वो जरूर ले जाए। वैसे मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अभी वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपसे नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आप 8 दिन बाद 10 दिन बाद जब जाएँ और उस समय कोई नया चेंज आ जाए, इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप अपने साथ आधार कार्ड, अगर कोई बीमार है तो उसका सर्टिफिकेट आप जरूर ले जाएँ। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो मैं अब आपको पंडित जी का एक छोटा सा वीडियो चला के दिखा रहा हूँ, जो कि इस समय नेपाल में उनकी कथा चल रही है और नेपाल से ही उन्होंने ये न्यूज़ दी है, जिसके बाद मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। तो चलिए देखते हैं। वो का दिन रहेगा जो मासिक शिवरात्रि आती है, 17 तारीख को थी, तो हमने भी सीहोर में खबर करवा कर कह दिया यहाँ डोलेश्वर कथा चालू हो, वहाँ रुद्राक्ष का वितरण सुबह 10 से शाम 5 बजे तक चालू कर दो, साल भर। अब लोग साल भर, तो देखिए आपने सुन लिया होगा कि किस तरह से पंडित जी ने बोला है कि आपको रुद्राक्ष कब किस समय कितनी टाइम तक मिलेगा। तो आपको मेरी बात पे यकीन हो गया है, क्योंकि पंडित जी इस समय नेपाल में उनकी कथा चल रही है और नेपाल से ही उन्होंने ये जानकारी दी है। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।